Let's take this question, which was the GATE 2022 question. So it is asking the L1 language, which is WW, a string, and then it's the same string repeated again. So this cannot be context-free because it cannot be accepted by the PDA. So this is not context-free. L2 is A power N, B power N, and C power N. So we are making a comparison between the count of A with the count of B only. So this is a single comparison. There is no restriction on the number of the Bs. Hence, we'll say that this language is context-free. The third language is A power N, B power N, and C power N. There we are making a comparison between Bs and the Cs. So the comparison between the B and the C is possible, count of B and count of C. There is no restriction on the number of A. So we'll say that the language L3 is context-free. So there's single comparison required between the count of B and count of C. Now here the question is asked about which of the statements are false. False means हमें ट्रू को अलग कर देना है, बाकी बाकी बचे हुए स्टेटमेंट होंगे हमारे वो फॉल्स होंगे. सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट वन. L1 इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री. यस दिस इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री. बट L2 एंड L3 आर डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री. यस दिस इज करेक्ट वन बिकॉज ए के बाद अगर हम L2 की बात करें तो उसमें A's आएंगे और जैसे B आएंगे उनको पॉप करना स्टार्ट कर देंगे. तो ये डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री है. L3 की बात करें जब भी बीज आएंगे हम पुश करेंगे, जैसे सी आएंगे हम उसको पॉप करेंगे. सो दिस इज डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री. आंसर बी कह रहा है कि नाइदर L1 नॉर L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री. सो L1 तो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है लेकिन L2 है कॉन्टेक्स्ट फ्री, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. थर्ड स्टेटमेंट है कि L2 L3 एंड L2 अंडरस्कोर L3 सॉरी L2 इंटरसेक्शन L3. So the context free languages are not closed under intersection. So L2, L3 तो हैं context free, but इसका intersection context free नहीं होगा. इसलिए कहेंगे कि ये statement मेरा false है. Third statement से neither L1 nor its complement is context free. So L1 तो नहीं है context free, लेकिन इसका complement भी context free नहीं होगा, ये हम ऐसा नहीं कह सकते. So ये statement false है. तो ये तीनों statement हमारे false है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. ये क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू रिवर्स, डब्ल्यू आर मींस इसका रिवर्स है. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर कॉन्टेक्स्ट फ्री. सो लेट्स जस्ट सी दिस. सो हियर वी हैव ए स्टेटमेंट में डब्ल्यू है, एक्स है, डब्ल्यू पावर आर एंड एक्स पावर आर. तो मान लेते हैं कि हमें जब भी स्ट्रिंग मिलेगी डब्ल्यू हम उसको पुश कर लेंगे इस टाइप पे, एक्स मिलेगा तो हम पुश कर लेते हैं. फिर डब्ल्यू पावर आर आया तो कायदे से हमें इसका रिवर्स यहाँ मिलना चाहिए था, क्योंकि स्टैक में हमें नहीं मिल रहा है बल्कि हमें दूसरी स्ट्रिंग मिल रही है. तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है. तो ये नॉट है कॉन्टेक्स्ट फ्री, दिस इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री. नाउ नेक्स्ट वन बी ऑप्शन डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स एंड एक्स एक्स रिवर्स. तो जब भी डब्ल्यू आया तो पुश कर लीजिए स्टैक पे, जैसे डब्ल्यू रिवर्स आया मैच करके पॉप करा लीजिए. फिर एक्स आया तो पुश कर लीजिए, जैसे एक्स कॉम्प्लीमेंट आया या एक्स रिवर्स आया तो मैच करा के पॉप कर लीजिए. तो ये कंपैरिजन पॉसिबल है इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा. देन डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू रिवर्स, इसका मीनिंग क्या है कि जब डब्ल्यू आया तो पुश कर लीजिए, और चूंकि एक्स मुझे पता है क्या है तो एक्स एक सेपरेटर की तरह से वर्क कर रहा है. तो डब्ल्यू रिवर्स आया तो आप पॉप कर लीजिए, तो एक्स के तुरंत बाद आप पॉप करना शुरू कर लीजिए. तो ये जो लैंग्वेज होगी वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी. देन वी हैव डब्ल्यू, लेट्स राइट इट हियर, डब्ल्यू एक्स एक्स रिवर्स एंड डब्ल्यू रिवर्स. जब W आया तो उसको पुश कर लीजिए, X आया तो भी पुश कर लीजिए, जब X रिवर्स आया तो कंपैरिजन करके पॉप कर लीजिए, और जब W रिवर्स आया तो कंपैरिजन करके पॉप कर लीजिए. इसका मतलब ये कंपैरिजन पॉसिबल है. तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री हो गया. सो दीज आर द थ्री करेक्ट ऑप्शन. दिस वाज आस्क्ड इन गेट 2021. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन व्हिच इज सेइंग दैट L1 इज अ रेगुलर लैंग्वेज एंड L2 इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. Which of the following languages is are context free? Okay, L1 एक regular language है, L2 हमारी एक context free language है. तो पहला option कह रहा है कि L1 intersection L2. So L1 मेरी regular language है, और जब हम L2 का complement करेंगे तो ये context free नहीं होगा. So अगर हम regular का कंटेक्स्ट नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये मेरा कंटेक्स्ट फ्री नहीं होना चाहिए. तो वी आर आस्किंग अबाउट द कंटेक्स्ट फ्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेक्स्ट फ्री. एक बार फिर से समझते हैं कि L1 तो रेगुलर है, अगर हम इसका इंटरसेक्शन कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के साथ करते हैं तो ये कंटेक्स्ट फ्री होता.
लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि L1 है और उसका इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो कॉम्प्लीमेंट L2 कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगा, नॉट नॉट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। तो हम ऐसा गारंटी नहीं दे सकते कि L1 और नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का जो इंटरसेक्शन है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा, इसलिए ये गलत है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। अब इसके बाद पे देखते हैं L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो डिमॉर्गन्स लॉ सबसे पहले इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज लाइक L1 डबल कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन L2 डबल कॉम्प्लीमेंट। सो ये लैंग्वेज L1 हो गई और इंटरसेक्शन L2 हो गया। ये रेगुलर है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है, इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है। देन वी हैव L1 यूनियन L2 यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज L1 एंड देन यूनियन L2 यूनियन एंड L2 कॉम्प्लीमेंट। सो L2 एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, और जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, L2 का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सो इसका मतलब क्या होगा कि ये नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। तो इन दोनों का जब आप यूनियन लेंगे तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का यूनियन नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री के साथ, और उसका उसका जो यूनियन है वो अगर आप रेगुलर के साथ लेंगे तो मेरे हिसाब से ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको वेरीफाई कर लेंगे बाद में। लास्ट स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि L1 इंटरसेक्शन L2, सो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का इंटरसेक्शन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के साथ, सॉरी रेगुलर लैंग्वेज का इंटरसेक्शन कॉन्टेक्स्ट फ्री के साथ में कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। दूसरा पार्ट इसका कह रहा है कि L1 कॉम्प्लीमेंट, तो रेगुलर लैंग्वेज का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो रेगुलर ही होता है, तो ये रेगुलर है, इसका आप इंटरसेक्शन L2 के साथ ले रहे हैं, इसका मतलब कि कॉन्टेक्स्ट फ्री के साथ, तो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। बाद में आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों का यूनियन ले ले रहे हैं। सो इन कॉन्टेक्स्ट फ्री का यूनियन कॉन्टेक्स्ट फ्री के साथ, मतलब कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। सो ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट। एंड अबाउट दिस ऑप्शन 3, एज वी हैव सेड दैट कि इसको हमें रीएनालाइज करना पड़ेगा। सो L1 रेगुलर है, इसका आप यूनियन ले रहे हैं L2 के साथ और इसके बाद फिर L2 के कॉम्प्लीमेंट के साथ में। तो रेगुलर यूनियन विद कंटेक्स्ट फ्री, यूनियन विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कंटेक्स्ट फ्री, एंड निश्चित रूप से ये कंटेक्स्ट फ्री होना चाहिए। सो हम मानेंगे कि ये कंटेक्स्ट फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल दिस, एंड वी विल डिस्कस सम मोर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द गेट क्वेश्चंस इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स।